guys, good morning and welcome back to my channel. तो happy weekend to all of you. और अभी सुबह हो गया है, मैं morning walk के लिए गई थी आज. तो actually मुझे बहुत fresh लग रहा है. तो अभी मैंने just black coffee पिया है और अभी हम लोग चलते हैं. तो बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था अच्छा ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए. तो मैंने आज जेप्टो कैफ़े से मंगाया ब्रेकफास्ट. तो मैं आपको दिखाती हूँ उन लोग का पैकिंग कैसा होता है. तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेड पकौड़ा जो मैंने जेप्टो कैफ़े से मंगाया है. और इन लोग का पैकिंग जो है बहुत अच्छे से होता है. और इन लोग दावा करते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी होगा. तो जो भी मेरा घर का सामान जो भी मंगाना पड़ता है दिन के लिए तो मैं जेप्टो से ही मंगाती हूँ. उन लोग का डिलीवरी बहुत जल्दी होता है. तो ये आ गया हमारा ब्रेड पकौड़ा ये जेप्टो कैफे से. और ये आप देख सकते हैं पकौड़ा पूरा फ्रेश और गरम गरम है. और एक चीज़ मैंने मंगाया है, ये है चीज़ केक जेप्टो कैफे से. तो आप देख सकते हैं ये है ब्लूबेरी चीज़ केक. चीज़ केक बहुत अच्छा दिख रहा है और इन लोग का टेस्ट भी अच्छा रहता है. तो हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कैसा है. तो ये चीज़ केक जो था मेरे को बहुत पसंद आया. और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, नीचे से पूरा वो बिस्किट के जैसा है और ऊपर से चीज़ केक है. तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया. अभी मैंने तेल डाला है और कटी हुई डाली है. तो इसको एटलीस्ट 5 या 10 मिनट तक हम लोग अच्छे से इसको कर लेंगे तेल में और उसको पकाएंगे. आप देख सकते हैं हमारी बिल्ली जो है अच्छे से कर चुका है. अभी इसको हम लोग साइड में दिखाएंगे, तेल डालेंगे और अंडा को फ्राई करेंगे. मैंने तेल डाला है गर्म होने के लिए. अभी हम लोग इसमें अंडा डालेंगे और मिर्ची और थोड़ा सा जीरा. तो मैंने जीरा मिर्ची और कांदा को डाल दिया तेल में. इसको अच्छे से हम लोग भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक. और फिर जो भी पाउडर मसाला है हम लोग वो डालेंगे. तो अभी कांदा जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है. और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. उसका जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कच्चापन निकलना चाहिए. और ये है सूखे मसाला जो हम लोग डालेंगे. ये है लाल मिर्ची पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है किचन किंग मसाला, ये है थोड़ा सा गरम मसाला, ये है हल्दी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से. मैंने मसाला को डाल दिया है और इसको अच्छे से हम लोग पकाएंगे. अभी जाके मैंने कस्तूरी मेथी डाला है इसके अंदर. तो ये मसाला के लिए नींबू लगता है. तो अभी मेरे पास नींबू तो नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा विनेगर डालूँगी. जो बिल्ली था जो हम लोग ने डाला है उसको मैंने ये मसाले में डाल दिया है. और इसको अभी अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे. जो मसाला है बिल्ली के अंदर अच्छे से जाना चाहिए. आप देख सकते हैं हमारा बिल्ली मसाला जो है वो रेडी हो चुका है और सन से तेल चुके बनाए. मतलब अपना मसाला जो है रेडी है और बिल्ली मसाला अच्छा दिख रहा है. और इसका टेस्ट जो भी है मेरी बहुत अच्छा है. और पराठा के साथ या बिल्ली वाले रोटी के साथ खा सकते हैं. तो सेकते हैं अभी हम लोग का बिल्ली मसाला पराठे के साथ खाएंगे. तो ये है मेरा लंच जो मैंने पराठे बनाए हैं. तो 2 पराठे बिंदी मसाला और ये है रायता बूंदी का. तो इसमें सिर्फ दही थोड़ा सा नमक और बूंदी है. इसमें शक्कर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी भी मैं शक्कर का इंटेक नहीं करती हूँ. मैं अगर कॉफ़ी भी पीती हूँ या तो चाय पीती हूँ तो उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं रखता है. तो शक्कर का पूरा इंटेक मैंने बंद ही किया है. हाय, शाम के 7:30 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वॉक के लिए.
अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट के वहाँ, फिर नीचे पीक टू पे जाते हैं। तो लिफ्ट नीचे आ रहा है और अभी हम लोग रुके हैं पीक टू पे जाने के लिए। और ये आ गया हमारा लिफ्ट। और ये आ गया हम लोग पार्किंग टू पे। और वो सामने आप देख सकते हैं, ये है हमारा सोसाइटी का क्लब हाउस। और विंटर चल रहा है तो उसके लिए स्विमिंग पूल बंद भी है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये है बैंक्वेट हॉल और इधर डांस रिहर्सल चालू है। और ये है हमारा सोसाइटी। ये है लाइब्रेरी क्लब हाउस का और वो है डांसिंग क्लास। और ये है नीचे। और ये देख सकते हैं लोग शाम के टाइम पे गार्डन में बैठे हैं नीचे। ये है हमारा क्लब हाउस का एंट्रेंस। और पीछे आप देख सकते हैं वो है टेरेस कोर्ट, जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं अभी। और ये है हमारा जेपी नॉर्थ गार्डन का बैक गेट। और ये आप देख सकते हैं, ये है जेपी का पीछे का रास्ता जो हाईवे कनेक्टेड होता है। और ये वेस्टर्न होटल के बाद वाला लेफ्ट है, उधर से पूरा डायरेक्ट जेपी के अंदर आ सकते हैं आप। और ये है पूरा जेपी का बैक रोड। और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा बैक गेट नंबर 2, जो उसके बाजू में से ही पोडा स्कूल का एंट्रेंस है। ये है पोडा इंटरनेशनल स्कूल जो मीरा रोड ईस्ट में है। और ये स्कूल आप देख सकते हैं। और वो साइड आप देख सकते हैं, ये है BST AC बस का डेपो, जो लोग पार्किंग में आते हैं रात को। तो अगर आप वीकेंड्स पे आते हो सैटरडे या संडे को, ये रास्ता पूरा काटा रोड के जैसे ही दिखता है। तो ये वीकेंड हैंगआउट प्लेस है। तो ये जस्ट अपना वेस्टर्न होटल से आप लेफ्ट लेते हैं हाईवे से, तो आपको ये नया रास्ता मिलता है जो JP को कनेक्टेड है। और ये बहुत अच्छा है अगर आपको हैंग आउट करना है लाइक सैटरडे को या संडे को, तो आप इधर आ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस ये ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आपको आज का रेसिपी जो मैंने बताया था बिरयानी मसाला, अगर आपको वो पसंद आया है तो कमेंट बिलो। और आप भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग सिर्फ मेरे ब्लॉग्स देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी वीकेंड।